हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरिज व्लॉगर पे। गाइज अभी यहाँ पे टाइम हुआ है मॉर्निंग के 10:30। मैं निकला हूँ ऐसे ही वॉक पे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी इस वक्त यूरोप में हैं या फिर इंडिया में हैं और वो लोग जानना चाहते हैं कि भाई हम यूरोप की किस कंट्री में आएँ और कहाँ पर आने के बाद जो है हमें सबसे ईजिली जो है डॉक्यूमेंट मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ, मेरे पास बहुत से ऐसे लोगों के भी मैसेज आ रहे हैं कि जो ये चाहते हैं कि हम माल्टा में हैं लेकिन हम जर्मनी आना चाहते हैं, हम जर्मनी में आकर के काम करना चाहते हैं, या फिर बहुत से वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं माल्टा में हूँ मैं नीदरलैंड में आके काम करना चाहता हूँ, या मैं पुर्तगाल में हूँ मैं नीदरलैंड में आना चाहता हूँ, या मैं किसी दूसरी कंट्री में हूँ मैं ऑस्ट्रिया में आना चाहता हूँ। तो ऐसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। तो मैंने कंक्लूज़न निकाला है एक कि भाई खुश कोई भी नहीं है और कहीं पे भी नहीं है। अगर वो जर्मनी में है तो वो नीदरलैंड आना चाहता है, कोई माल्टा में भाई अच्छे खासे पैसे कमा रहा है 1800-2000 यूरो तो वो यहाँ आना चाहता है। तो आई डोंट नो कि भाई लोगों की मेंटेलिटी क्या है, कैसी है, वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो चलिए मैं आपको जो सबसे पहले जो एक ज़रूरी चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों चीज़ ये है कि गाइस पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप यूरोप क्यों आना चाहते हो। सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ कि भाई यूरोप आने का मेन मकसद क्या है, पैसा कमाना है, डॉक्यूमेंट लेना है, या फिर अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो मेरी तरह अगर वर्क फ्रॉम होम करना है, आके बस लाइफ एंजॉय करना है, यूरोप में रहना है और कम बजट में अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, क्या चाहते हो, या फिर यहाँ पर आकर के आपने अपना कोई बिजनेस करना है, ठीक है, या फिर आकर के यहाँ पे पक्के होना है। डॉक्यूमेंट दो तरह के हैं, टेम्प्ररी और परमानेंट। ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी है, आपका बजट क्या है, आपकी मंथली सैलरी कितनी है और आपको यहाँ पे आने के बाद कितना वक्त लगेगा, क्या आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अकोमोडेशन है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको वेजिटेरियन खाने का ऑप्शन कम मिलेगा। तो ऐसे में ये सब चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मान लो कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं एक एक चीज़ को आपसे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमें जा कर के पैसा कमाना है, डॉक्यूमेंट जो है वो बात की बात है, पहली ज़रूरी चीज़ जो है पैसा है। तो उसके लिए जो कंट्रीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो कंट्री है अगर आपको पैसा कमाना है तो वो भाई जर्मनी है, ठीक है, नीदरलैंड है, उसके बाद नीदरलैंड में पैसा जर्मनी से ज़्यादा है लेकिन टैक्स भी ज़्यादा है जर्मनी में। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो थोड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ के लोग उनका नेचर ही ऐसा है भाई, वो पसंद नहीं करते हैं अगर कोई दूसरा वहाँ पे आके उनसे नॉर्मली हाय हेलो इंग्लिश में करता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद आपके साथ अलग हो सकता है। और दूसरी बात आती है, पहले मैं नॉन स्पीकिंग इंग्लिश कंट्रीज़ हैं उनकी बात कर लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पर अंग्रेज़ी जो है ज़्यादा नहीं चलती है, आती है लेकिन लोग नहीं बोलते। दूसरे नंबर पर है फ्रांस। फ्रांस में भी आपको पता है आईफिल टावर है, डिज्नीलैंड है, घूमने के लिए न्यू ईयर पे काफ़ी लोग आते रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रांस की यही है, पैसा है लेकिन वहाँ पे फ्रेंच चलती है और वहाँ के भी जो लोग हैं थोड़े से मैंने देखा है कि रेसिस्ट हैं। रेसिज्म दुनिया में हर जगह है, आपको इंडिया में भी मिलेगा, पाकिस्तान में भी मिलेगा। वो हर बंदे को, अब किसी को अगर आप कुछ बोलोगे तो हो सकता है वो उसको एज ए रेसिज्म अपने ऊपर ले ले, तो ठीक है। लेकिन फ्रेंच जो लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, उन्हें इंग्लिश बोलने वाले थोड़े कम पसंद हैं। अब बात करते हैं तीसरी कंट्री की जहाँ पे पैसा भी है, वो है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग मेरी इस लिस्ट में 1 कंट्री है जहाँ पे बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा। लेकिन बात यह है कि वहाँ पे इंग्लिश भी चलती है। अगर आप IT कंपनी में काम करते हो या बैंकिंग में हो, इस तरह का अगर आप डेवलपर हो या वो IT कंपनी में आ गया, तब आपके लिए लग्जमबर्ग मेरा मानना है कि एक जन्नत से कम नहीं है यूरोप में। अब वहाँ पे भी टैक्स है, लेकिन अगर आप कंपनी के थ्रू आ रहे हो, इसमें इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा हूँ भाई कि मैं आपको किसी कंट्री का वर्क परमिट दे रहा हूँ। अगर आप में एबिलिटी है और आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग रिसर्च करो, आप अप्लाई करो, जिस कंट्री में आपको आना है आप उस कंट्री के बारे में वैकेंसी सर्च करो, वहाँ के लोगों से आप कनेक्ट हो, वहाँ के बारे में जानो, तो इससे आपका एक वक्त बचेगा। आप अगर IT में अच्छे हो तो आप लग्जमबर्ग आओ, अगर आपको जर्मन आती है तो आप जर्मनी या ऑस्ट्रिया में आ सकते हो। ऑस्ट्रिया जो है लग्जमबर्ग के बाद अगली कंट्री है, उस पर भी आएंगे। तो जो लग्जमबर्ग है वहाँ पे पैसा बहुत अच्छा है, लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छी है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो भाई तो पूरे यूरोप में इकलौती लग्जमबर्ग एक ऐसी कंट्री है, अगर आप थोड़ा बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेते हो आप वहाँ के इंटरनेशनल टीम में भी क्रिकेट खेल सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें एज ए करियर आप ले सकते हो, लेकिन आपका ये शौक जिंदा रह सकता है, ठीक है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लग्जमबर्ग में जो लैंग्वेज चलती है वो जर्मन चलती है, फ्रेंच चलती है,
और कुछ लोग पोर्चुगीज भी बोलते हैं और इंग्लिश वैसे सबको आती है। आईटी के लिए जो है गढ़ माना जाता है और बिजनेस इंडस्ट्री में ये काफ़ी बड़ी कंट्री मानी जाती है बिजनेस के मामले में। छोटी सी कंट्री है लेकिन पर कैप्चा इनकम जो है और जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, इसका रीज़न है कि बड़े बड़े बिलीनियर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी वहाँ पे कंपनीज हैं, कुछ इंडियन बिजनेसमैन की भी अच्छी खासी यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस है, रनिंग कंपनीज है। तो ठीक है, लग्जमबर्ग इस लिस्ट में पहले नंबर पे। अगर आप लोग आईटी की फील्ड से आते हो या अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, आप साइंटिस्ट हो, कुछ ऐसी एबिलिटी है, कुछ आपके अंदर अलग है, ठीक है, तो ये हो गया। जर्मन आती है तो जर्मनी है। और अगर उसके अलावा आपको जो है एक बिना डॉक्यूमेंट के, मतलब आप जैसे ही आते हो, वो नहीं कि आप इलीगल हो, आप आते ही यहाँ पे फ्रांस में काम करना शुरू कर सकते हो। फ्रांस पूरे यूरोप की ऐसी कंट्री है जिसको कहीं काम नहीं मिलता है, उसे पेरिस में काम मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत से इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंकन ये काम करवा के लोगों को पैसा नहीं देते हैं अगर आप बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम करते हो। तो ये एक यहाँ पे डार्क साइड है फ्रांस की। हर बंदा एक जैसा नहीं है, लेकिन लोग जो है जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो उन्हें सैलरी ना दे, आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा पैसा कमाने के लिए फ्रांस भी अच्छा ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट में जो सबसे बेस्ट कंट्री है, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ठीक है, और या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या आपको जो एक अच्छी, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, तो आप आ सकते हो भाई ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में जर्मन चलती है और जो सेकेंड लैंग्वेज है वो वहाँ पर इंग्लिश चलती है, लेकिन बात वही है, मोस्टली लोग वहाँ पर जर्मन बोलते हैं। और जर्मनी और ऑस्ट्रिया में अगर बात की जाए तो कल्चर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों ही लोग जो है सेम है, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, बात करते हैं रहने की, खाने पीने की। ऑस्ट्रिया जो है रहने के लिए जर्मनी से थोड़ा सा महंगा है, अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ, खाना जर्मनी से सस्ता है। लेकिन जर्मनी में अलग अलग जगह है, म्यूनिक है, बर्लिन है, हैम्बर्ग है, फ्रैंकफर्ट है, डॉर्टमंड है, तो इस तरह जर्मनी बहुत बड़ा है। ठीक है, जर्मनी में एक मज़े की बात यह, बर्लिन जो कैपिटल है और म्यूनिक सेकंड लार्जेस्ट जो है सिटी है, लेकिन मैं दोनों ही सिटी में रहा हूँ, लेकिन म्यूनिक बर्लिन से ज़्यादा महंगा है, क्योंकि म्यूनिक जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट आते हैं और वहाँ से ऑस्ट्रिया से भी टूरिस्ट आते रहते हैं, और काफ़ी अच्छी सिटी अगर देखा जाए तो। इस कैपिटल बर्लिन है, बर्लिन ओवर क्राउडेड है, बहुत भीड़ भाड़ है, और साफ़ सफाई के मामले में अगर मुझे टेन में से रेटिंग देनी हो तो मैं जर्मनी को जो हूँ 6 दूंगा, जर्मनी में बर्लिन को मैं 6 दूंगा और म्यूनिक को मैं 8 दूंगा। ठीक है, क्योंकि म्यूनिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया जो है उसकी कैपिटल वियना है, और मैंने आपको बता दिया कि ऑस्ट्रिया में पहाड़ वगैरह भी हैं, टूरिस्ट लोगों के लिए एक काफ़ी अच्छी कंट्री है, लेकिन चीप नहीं है, मैं बता देता हूँ, लेकिन जर्मनी से बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप लोग वहाँ पे काम करते हो तो आप लोग 1800-1700 यूरो कमा सकते हो। और अब बात कर लेते हैं भाई नीदरलैंड की भी, इसको कैसे भूल सकते हैं। तो भैया नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी रोटरडम है, उसके बाद देन हाग है, उत्रक्त है, ये यहाँ की कुछ बड़ी सिटीज़ हैं। अब आपने ये देखना है कि भाई आपको अगर स्टडी के लिए आना है नीदरलैंड, तो देखो स्टडी के लिए दुनिया की हर कंट्री अच्छी है, हर कंट्री में आज अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, आप आ सकते हो स्टडी करने के लिए। अब काम के मामले में अगर मैं बात करता हूँ तो भाई नीदरलैंड में जो है इंग्लिश भी चलती है, लेकिन यहाँ के मोस्टली लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन यहाँ के लोग रेसिस्ट नहीं है, हाय हेलो अगर आप उनसे करते हो तो अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। और महंगी है, एम्स्टर्डम जो है बहुत महंगा है, एक रूम अगर आप रेंट पे लेते हो तो 600-700 यूरो तक, मिनिमम 550 या 500 पकड़ के चलो, 500 से 700, डिपेंड करता है कि आप सेंटर में रह रहे हो या कितना दूर वहाँ से रहते हो। अब उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है मैं वो आपको बता देता हूँ, जो नीदरलैंड कंट्री है यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो ये है, यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, टैक्स बहुत ज़्यादा है, और ट्रांसपोर्टेशन अगर इस कंट्री का मैं आपको बोलूँ तो बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पे बस से ट्रैवल करना तो एक बहुत बड़ा बोझ लगता है, ट्रेन जो है वो काफ़ी बेटर ऑप्शन है लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, पैसा जब यहाँ पे अगर आप 1800 यूरो कमाते हो तो आपके 250-300-400 तक टैक्स में चला जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नीदरलैंड के नाम पे बहुत से स्कैम भी होते हैं कि आप आ जाओ हम आपको वर्क परमिट जो है दिलवा देंगे, तो इस चक्कर में भी आपने नहीं पढ़ना है। नीदरलैंड का वर्क परमिट ऐसे नहीं है कि भाई किसी दुकान पर मिल रहा है, किसी एजेंट ने उठाया और आपको दे दिया। ठीक है, तो वर्क परमिट मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल गया, बहुत हार डिफरेंट थिंग्स, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। अब जो है दूसरी चीज़, अब बात कर लेते हैं, एक और कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश चलती है।
ठीक है, और इसके बाद मैं आपको एक दो ऑप्शन और दे दूंगा, वो है माल्टा। अब बहुत से मेरे पास जो है मैसेज आते हैं माल्टा में रहने वाले, भाई मुझे समझ में नहीं आता है माल्टा में रहने वालों को क्या प्रॉब्लम है। जो बंदे डिलीवरी करते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया है वो लोग 1700 से 2200 यूरो तक कमा लेते हैं जब काम पीक पे होता है, तो 2200 आफ्टर टैक्स बात कर रहा हूँ, वरना 1700 1800 यूरो टैक्स के बाद। भाई तो और क्या लेना है आपको। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब्र किसी को नहीं है। अगर कोई नीदरलैंड में है तो उसे US या UK की पड़ी है, कोई UK में है तो उसे कनाडा की पड़ी है, कोई कनाडा में है तो भाई उसे पता नहीं कहाँ उसे यूरोप आने की पड़ी है। तो ऐसे में यार आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है। कंट्री सारी अच्छी है, हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ है, हर जगह ऑप्शन है, आपको क्या इजी है, आपके लिए क्या आसान है, आपको वो देखना है। तो ठीक है, मैंने नीदरलैंड के बारे में भी बता दिया। माल्टा भी एक अच्छी कंट्री है, एक आइलैंड है, एक आइलैंड ही है छोटा सा, और उसकी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी कंट्रीज़ है, बहुत बड़ी कंट्रीज़ है। तो ऐसे में माल्टा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ उन लोगों की जो काम अपना घर से कर रहे हैं, वो दुनिया में कहीं भी रहें, उन्हें जो है फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें बस पैसे कमाने हैं और एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। तो आपके लिए पुर्तगाल और स्पेन, ये दोनों एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि आप अगर वहाँ पे 1500-2000 यूरो, अगर 2000 यूरो आप कमा रहे हो और जैसी लाइफ स्टाइल आप नीदरलैंड में या फिर जर्मनी में या ऑस्ट्रिया में इन्जॉय करना चाहते हो, वही सेम लाइफ स्टाइल आपको पुर्तगाल और स्पेन में 1000 यूरो से कम में मिल जाएगी। आप एक रूम में रह सकते हो अच्छे से, आप अपना खाना पकाना कभी कभी बाहर भी खाते हो 1000 यूरो में, पुर्तगाल में यू विल फील लाइक ए किंग, ठीक है। और स्पेन जो है भाई वो भी 1000 यूरो में हो जाएगा। स्पेन में डिपेंड करता है, मैड्रिड महंगा है, फिर से मैं बताता हूँ, मैड्रिड जो है कैपिटल है, लैंडलॉक्ड है, बार्सिलोना सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, लेकिन बार्सिलोना में टूरिस्ट मैड्रिड से ज़्यादा आते हैं क्योंकि वहाँ पे बीच है और फॉरेनर्स को बीच बहुत पसंद है। और स्पेन की, और अगर पुर्तगाल की बात करता हूँ तो लिस्बन अभी बहुत महंगा हो गया है, महंगा खाने पीने में नहीं है, एक रूम मिल पाना एवन की बेड स्पेस मिलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है अभी, क्योंकि बहुत से फॉरेनर्स, स्पेन और पुर्तगाल दो दुनिया में ऐसी कंट्री है जो इलीगल लोगों को भी वेलकम करती है। तो बहुत से इंडियन, पाकिस्तानी, अफ्रीकन और अरेबिक बिना डॉक्यूमेंट्स के पुर्तगाल में रह रहे हैं, तो अब उन्हें भी एकोमोडेशन तो चाहिए ही। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे एकोमोडेशन थोड़ा अभी महंगा हो गया है। अगर एक सेपरेट रूम लेते हो 400 से 500 यूरो में लिस्बन के सेंटर है वहाँ पे मिल रहा है 500 यूरो तक, और मिल भी नहीं रहा है, अगर मिलेगा तो आपका रेंट ये रहेगा। इसके अलावा आप जो दूसरी बात करता हूँ, दूसरी सिटीज़ है वो है पोर्टो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, उसके अलावा फारो भी है, लागोस भी है, पोर्टिमो भी है, अल्वोफेरा का एरिया है, अलग अलग रीज़न है। तो ये कुछ ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, स्पेन भी बता दिया। ये कंट्री उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनके पास सब कुछ है, अपना ऑनलाइन काम है, बस आ करके रहना है और यहाँ पे लाइफ स्टाइल एंजॉय करनी है, तो उन लोगों के लिए ये दो कंट्रीज़ बेस्ट है। अब इसके अलावा एक और कंट्री बता देता हूँ, वो है इटली। लेकिन अभी जो इटली के बंदे हैं, जो इटालियन हैं, इटालियन पासपोर्ट होल्डर, उन्हें मैंने पुर्तगाल में काम करते हुए देखा है, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से इटली में अभी पैसा नहीं है, जॉब नहीं है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, और काफ़ी नॉन बंदे हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, जो लोग पहले इटली में अच्छे पैसे कमाते थे, आज उन लोगों को वहाँ पे जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कोविड के टाइम में काफ़ी लोग जो है इटली गए थे, वो वापस भी नहीं आ पाए, कंपनी ने उन्हें रिटेन नहीं किया, किसी भी रीज़न से निकाल दिया। तो इटली में अभी सैलरी बहुत कम हो गई है और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अब आपको ये डिसाइड करना है आप कहाँ आना चाहते हो। मैंने आपको यूरोप की हर कंट्री के बारे में बता दिया, और अगर सेटल होना है, पासपोर्ट लेना है, पुर्तगाल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, और मोस्ट कन्वीनियंट है, ईजिएस्ट है, तो आप लोग पुर्तगाल आ सकते हो। और पुर्तगाल आने के बाद यहाँ पे 5 साल में आपको पासपोर्ट हर हालत में मिलेगा और डॉक्यूमेंट भी आपको जल्दी मिल जाएंगे यहाँ पे 2 से 2.5 साल में, ठीक है। और अगर आप वर्क परमिट वगैरह पे आते हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, काम घर से करते हो, तो पुर्तगाल और स्पेन बेस्ट ऑप्शन है। मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिए हैं, अब आपने देखना है कहाँ आना है। और हाँ, स्टडी में अगर आपको कम बजट में आना है, उसका ऑप्शन भी बता देता हूँ, सस्ते बजट में लातविया है, जिसकी कैपिटल रीगा है, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन पोलैंड है, जिसमें 2 सिटीज़ हैं, वर्सोवा है, कराको है, वो भी मैंने आपको बता दिया, रशिया के साथ जो है उसका, पोलैंड यूक्रेन के साथ जो है उसका बॉर्डर है। तो ऐसे में वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, वर्सोवा और कराको दोनों अच्छी सिटी है, बड़ी सिटीज़ है। अब बात करते हैं इसके अलावा एक दो कंट्री और है, उसको अभी क्यों छोड़ते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज़ में अगर आपको आना है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, तो भाई एक्सपेंसिव है, पहले बता देता हूँ, और यूरो भी नहीं चलता है, तीनों की अपनी अपनी करेंसी है, ठीक है।
तो मैंने आपको पूरा यूरोप भाई ऊपर से लेके नीचे तक, लेफ्ट से राइट तक, ईस्ट से वेस्ट तक सब कुछ मैंने आपको, साउथ से नॉर्थ तक सब कुछ भाई मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ आना है। हंगरी भी है जो कि काफ़ी चीप है लेकिन यूरो नहीं चलता है, कैपिटल बुडापेस्ट है, हंगेरियन फोरेंट वहाँ की करेंसी है, तो वहाँ भी आप लोग आ सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। अगर आकर के वहाँ पे लाइफ स्टाइल एंजॉय करनी है तो वो भी एक बहुत प्यारा और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हंगरी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, सारी कंट्री हो गई है, बची है स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, इनके बारे में आप लोग थोड़ा सर्च कर लेना। और फिनलैंड भी आईटी के लिए बहुत अच्छी है और एजुकेशन में भी फिनलैंड बहुत अच्छा है लेकिन एक्सपेंसिव है। मैंने अब आपको सारा ऑप्शन बता दिया किस तरह आपको आना है, स्टडी पे आना है, वर्क पे आना है, एज ए फ्रीलैंसिंग करनी है आकर के, फ्रीलैंसर अगर आप हो तो। यूरोप में एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, वो फ़ायदा आपको यूएस और यूके में भी नहीं मिलेगा। यूरोप में अगर आपके, आप लीगल रह रहे हो, एक कंट्री में दिल नहीं लगता है, तो 26 ऑप्शन है आपके पास। और रोमानिया भी बहुत जल्दी यूरोप में आने वाला है जिसकी कैपिटल जो है बुचारेस्ट है, तो वो भी बहुत जल्दी शेंगेन में शामिल हो जाएगा। क्रोएशिया भी शायद हो जाएगा जिसको कुछ लोग क्रोएशिया बोलते हैं। तो ऐसे में अब आपने डिसाइड करना है आपको कहाँ आना है। आई थिंक कि ये वीडियो मेरे चैनल पे अब तक जो मैंने बनाई है ये सबसे ज़्यादा डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। तो आप लोग चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।